नमस्कार दोस्तों, कहते हैं आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। गोरखपुर पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी गोरखपुर मंदिर में खिचड़ी मेले का निरीक्षण के बाद मेले को लेकर मीटिंग भी करेंगे। तो गोरखपुर पहुंचे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव और डीजीपी और गोरखपुर मंदिर में खिचड़ी मेले का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद मेले को लेकर मीटिंग भी करेंगे डीजीपी और मुख्य सचिव। गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्य सचिव और डीजीपी, गोरखपुर मंदिर में खिचड़ी मेले का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद मेले को लेकर ये अहम मीटिंग करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गोरखपुर में पहुंचे हैं डीजीपी और मुख्य सचिव। आसिफ शाही जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। आसिफ, पहुंचे हैं डीजीपी और मुख्य सचिव गोरखपुर, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम मुख्य सचिव और डीजीपी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं। पहले तो मंदिर में जाकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए हैं और साथ ही साथ पूरे मेला प्रांगण का भ्रमण किए और साथ ही साथ जितने भी यहां पे प्रशासनिक और कामलाता सभी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है, कहीं से कोई चूक ना हो जाए सुरक्षा व्यवस्था से लेके, क्योंकि आपको पता है कि विगत कुछ महीने पहले ही आतंकवादी हमला भी हुआ था गोरखनाथ मंदिर में, इस पे भी काफी कुछ विचार विमर्श हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था आकाश से लेके जमीन तक की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से रहे, इसके लिए एक प्रमुख बैठक हो गई है गोरखपुर बैच। तो ये खिचड़ी मेले की बात कही जा रही है, खिचड़ी मेले का निरीक्षण भी करेंगे, इसके साथ ही मीटिंग भी करना है उनको। तो खिचड़ी मेला कब से शुरू होने जा रहा है और कब तक ये मेला चलेगा, क्या जानकारी? क्या ये हर साल लगाया जाता है खिचड़ी मेला और इसको लेकर मकसद क्या है? खिचड़ी मेले के लिए ही जाना जाता है, जहाँ पे नेपाल राजघराने से पहला खिचड़ चढ़ता है। तो गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले आज डीजीपी और प्रमुख सचिव पहुंचे हैं, यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं, उसके बाद ही इन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है गोरखनाथ मंदिर में और साथ ही साथ मेला प्रांगण का भ्रमण किया है और एक एक बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत की है। जितने भी सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पे बढ़ाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए, आकाश से लेकर जमीन तक के यहाँ पे निगरानी पैनी प्रशासन की बनी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्य सचिव और डीजीपी और खिचड़ी मेले को लेकर बड़ी बैठक करेंगे, साथ ही मेले को लेकर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के तत्कालीन जज ने सीबीआई का आदेश दिया था सीबीआई जाँच का और हाईकोर्ट के सीबीआई जाँच के फैसले को रद्द कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति से आज की बड़ी खबर, जहाँ पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत, दरअसल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के तत्कालीन जज ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और हाईकोर्ट के सीबीआई जाँच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। दरअसल हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने का जो आदेश दिया था, उस आदेश को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ी राहत कहेंगे इसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आज मिली है। तो पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में ये राहत मिली है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से झटका लगा था, सीबीआई जांच कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। अभय केंत्रा जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के लिए। अभय,
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया जो तत्कालीन जज ने सुनाया था भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। ये राहत इस रूप में भी देखी जा सकती है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था सीबीआई जांच को, ये कह सकते हैं कि जो पैरवी हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी उसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर ये कह सकते हैं कि बड़ा निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस हाईकोर्ट के उस निर्णय को यहाँ पर रद्द करने का काम किया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की सीबीआई जाँच कराने की बात कही गई थी। ये बात ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 4 साल पहले की ये बात हो सकती है जब ये कह सकते हैं कि जो इस समय जो खानपुर से जो विधायक है, निर्दलीय जो विधायक है उमेश शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ यहां पर हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार की बात यहां पर कही थी। तब ये कह सकते हैं कि जब तत्कालीन जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी तरफ से उनकी सरकार की तरफ से विधायक के खिलाफ जो इस समय विधायक है उनके खिलाफ उस समय राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वहां पर शुरू किया गया था, उसी से बचने के लिए हाईकोर्ट जाने का काम उमेश शर्मा की तरफ से किया गया था। और उमेश शर्मा के साथ ये कह सकते हैं कि उनकी जो याचिका थी उस याचिका पर भ्रष्टाचार के जैसे आरोप लगाते हुए जो तत्कालीन जो जज रहे थे हाईकोर्ट के, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की बात यहां पर कही थी, उसके निर्देश दिए थे। उसी के खिलाफ ये कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत पूर्व मुख्यमंत्री को दी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो दूसरा जो मामला था खानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार, उनके खिलाफ जो राजद्रोह का जो मामला था उस पर अभी भी सुनवाई जारी है। ये कह सकते हैं कि अभी भी वो मामला कोर्ट के लंबित है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के इस मामले में जो सीबीआई जांच के लिए जो पैरवी की गई थी उस पर बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाई है जी। तो लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच कैसे आगे बढ़ेगी, क्या कुछ मापदंड तय किए गए हैं क्या? ये कह सकते हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ये जो मामला यहाँ पर था जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द करने का काम कर दिया गया। अब जो मामला कोर्ट में चलेगा, जो हाईकोर्ट में इस समय लंबित है, उसमें राज्य सरकार बनाम उमेश शर्मा के खिलाफ ये मामला यहाँ पर चलेगा जिसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोई रोल इस मामले पर नहीं रहा जाता, अब सरकार बनाम उमेश शर्मा का मामला यहाँ पर कोर्ट में चलेगा जिसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलाने की बात यहाँ पर कही गई थी। पुलिस की तरफ से मुकदमा उमेश शर्मा के खिलाफ यहाँ पर लगाया गया था जी। बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब बड़ी राहत मिली है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से, और सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर एसएसबी ने नाबालिग को बचाया है, मानव तस्करी से नाबालिग को बचाया गया। नाबालिग को झांसा देकर ले जा रहे थे तस्कर, ककरहवा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सिद्धार्थ नगर से, जहां पर एसएसबी ने नाबालिग को बचाया। दरअसल मानव तस्करी के लिए नाबालिग को ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही एसएसबी ने नाबालिग को बचाया है। नाबालिग को झांसा देकर ये तस्कर ले जा रहे थे। ककरहवा बॉर्डर के पास से तस्करों को गिरफ्तार किया गया एसएसबी के जवानों ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिद्धार्थ नगर से, जहां पर नाबालिग को बहला फुसला कर झांसा देकर ले जाया जा रहा था। नाबालिग को अगवा किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही एसएसबी सक्रिय हुई और नाबालिग को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। इसके साथ ही तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। ककरहवा बॉर्डर के पास से गिरफ्तारी हुई है। एसएसबी ने नाबालिग को बचाया है, मानव तस्करी से नाबालिग को बचाया गया। नाबालिग को झांसा देकर ले जा रहे थे तस्कर, ककरहवा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। नाबालिग को झांसा देकर ये तस्कर ले जा रहे थे और इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया, एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही नाबालिग को तस्कर के चंगुल से छुड़ाया गया। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग को छुड़ाया गया है तस्कर के चंगुल से, बहला फुसला कर झांसा देकर नाबालिग को तस्कर ले जा रहे थे और एसएसबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ककरहवा बॉर्डर के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया गया, साथ ही नाबालिग को तस्कर से छुड़ाया गया।
राकेश यादव जुड़ गए, ज्यादा जानकारी भी हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश। सिद्धार्थनगर में एसएसपी ने छुड़ाया नाबालिग को तस्करों के चंगुल से, क्या जानकारी फिलहाल? ये आपको बता दूं कि जो है ये तस्कर नाबालिग लड़की को, जो कि नेपाली लड़की थी, उसको जो है बहला फुसला कर नौकरी का झांसा देकर ये जो है हरियाणा राजस्थान ले जाने की फिराक में था। और ये एसएसपी के जवानों ने ककराहों बॉर्डर के पास से इसे गिरफ्तार कर लिया जब ये भागने के उसको लेके फिराक में था। जी राकेश, ये दरअसल पूरी प्लानिंग कहाँ की गई थी और तस्कर और जो नाबालिग का संपर्क कैसे हुआ था, किस जरिए संपर्क हुआ, कैसे इनकी बातचीत आगे बढ़ी? ये दोनों नेपाली नागरिक है, नेपाल के रहने वाले थे, वहीं से इनकी जान पहचान हुई और बातचीत हुई और ये बहला फुसला कर उसे राजस्थान ले जाना चाह रहा था कि वहाँ घूमने चलना है, घूमने के बहाने उसे ले जा रहा था। तब एसएसबी वहाँ ककराहवा बॉर्डर पे सतर्क थी, हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग करती है एसएसबी, वो मौके पर उसको चेक किया और पकड़ के पूछताछ की तो उससे पता चला कि वो बहला फुसला कर ले जा रहा था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए राकेश। पालीताना विवाद को लेकर जेएनयू के आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पालीताना के मुद्दे पर टास्क फोर्स बनेगी और इस टास्क फोर्स में पुलिस, नगरपालिका, वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। टास्क फोर्स पालीताना मामले का समाधान करेगी। इसके अलावा महाराज साहब के एक और वीडियो को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। हर्ष सांगी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि शत्रुंजय पर्वत की आस्था कभी कम नहीं होगी। तो पालीताना विवाद को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। हालांकि हर्ष संघवी ने कहा है कि आस्था को कम होने नहीं दिया जाएगा और टास्क फोर्स की गठन किए जाने की बात कही। गुजरात सरकार ने टास्क फोर्स गठित की है। अहमदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, मामले का समाधान अब टास्क फोर्स करेगी। तो पालीताना विवाद में टास्क फोर्स का गठन किया गया, गुजरात सरकार ने इस टास्क फोर्स को गठन किया है पालीताना विवाद को लेकर और ये टास्क फोर्स अब इसका समाधान करेगी। इसमें वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और तमाम प्रशासनिक महकमे के अधिकारी इसमें शामिल होंगे इस टास्क फोर्स में और इस पूरे विवाद का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने भी कहा है कि किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना, चोट पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। टास्क फोर्स के जरिए ही ऐसा पूरे विवाद का समाधान किया जाएगा, ये बात हर्ष संघवी ने कही। तो पालीताना मामले का अब टास्क फोर्स समाधान करेगी। टास्क फोर्स के गठन किए जाने की बात गृहमंत्री गुजरात के हर्ष संघवी ने कही है। उधर कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के लालपुर चौराहे पर दो नशेबाज सिपाहियों ने महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। किसी तरह महिला इन नशेबाज पुलिस वालों से बच सकी। महिला ने 112 नंबर डायल करके पूरा मामला पुलिस कंट्रोल रूम को बताया है, तब जाकर इन नशेबाज पुलिस वालों के होश ठिकाने आए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि नशेबाज सिपाहियों द्वारा छेड़छाड़ करने पर महिला ने उनकी जमकर पिटाई की। पुलिस की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सिपाही हरिओम और सुशांत पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस के द्वारा छेड़खानी और पिटाई का वीडियो वायरल होने पर ADCP ने जांच के आदेश भी दिए हैं। थाना नौबस्ता क्षेत्र के लालपुर चौराहे के पास एक महिला ने शिकायत की कि डायल 112 पे तैनात दो पुलिसकर्मी, जिनका की नाम है हेड कांस्टेबल हरिओम और हेड कांस्टेबल सुशांत, उन्होंने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की और धक्का देकर जब वो भागने लगी तो उसका पीछा किया। इस सूचना को मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से एप्लीकेशन लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों ही आरोपी पुलिसकर्मी कर्मियों से पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। खबर मैनपुर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर करहल थाना क्षेत्र में कुआं में मांस बरामद हुआ है। मामले पर SP मैनपुरी ने संज्ञान लिया है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की है कार्यवाही। सूचना के बाद मौके पर हिंदू संगठन पहुंचे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने नाराजगी जताई है। तो कुएं में मांस मिलने का मामला सामने आया है। कुएं में मांस मिला है मैनपुरी के करहल क्षेत्र में, और इस पूरे मामले का संज्ञान एसपी ने लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही हिंदू संगठनों ने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है। एसपी मैनपुरी ने संज्ञान लिया है, जहां पर करहल थाना क्षेत्र में कुएं में मांस मिला है, मांस बरामद हुआ है। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने निराश्रित पशुओं को गौशाला भेजने के आदेश दिए हैं। कन्नौज जिलाधिकारी को आदेश दिए गए हैं। मंत्री जी ने कहा है कि निराश्रित पशुओं को संरक्षण दिया जाए। गौशालाओं में अभी 1000 पशु आ सकते हैं। निराश्रित पशुओं के लिए 12 गौशालाएं बनाई जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ठंड से ठिठुरते पशुओं के बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रधानों से भी मंत्री जी ने ग्राम सभागार गौशाला संचालित करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रही ठंड से निपटने के इंतजामों की रियलिटी चेक को चेक किया, जिसमें जगह जगह पर अलाव का इंतजाम देखने को मिला। रैन बसेर भी तैयार नजर आए। इस दौरान भाजपा के नेता रूपेश जायसवाल भी जरूरतमंदों को कंबल बांटते नजर आए, जिनसे तैयारियों को देखकर हमारी टीम ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश में बढ़ते ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने यूपी के 36 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि यूपी के इन 36 जिलों में आने वाले दो दिनों में कड़ाके की ठंड व घने कोहरे होने की संभावना जो है जताई जा रही है। और जौनपुर में ठंड से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किया गया है, इसी को जानने के लिए आज इंडिया वाइज की टीम जौनपुर की सड़कों पर सर्द रातों में जो है निकली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब हमारी टीम जो है जौनपुर के सागन जैसी चौक पर पहुंची तो बीजेपी के नेता व तमाम समाज सेवी संस्था द्वारा जो है कंबल वितरण किया जा रहा है। और ठंड से निपटने के लिए क्या इंतजाम जो है जौनपुर में, सीधा हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जो जिला प्रशासन जो दावे कर रहे हैं कितने धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रुपेश जायसवाल। रुपेश जी, ठंड जो है काफ़ी कड़क पड़ रही है, ऐसे में जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रही है, तो क्या लग रहा है, कितने इंतजाम किए गए हैं? आज सागर नगर में हम लोगों ने निकले थे, देखे थे, आज हम लोगों ने शाम को से बांटना शुरू किया है कंबल को। तो जहाँ जहाँ पे देखा गया अलाव की व्यवस्था दिख रही है, अच्छा लगा देख के, ये है एक सेवा की भाव से। और रैन बसेरा में गया, रैन बसेरा में पालिका परिषद ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए बधाई प्रसिद्ध करता हूँ उनको। पालिका ने हर व्यवस्था कर रखी थी वहाँ पे, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो, बेड हो, गद्दे हो, व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए रैन बसेरा वो दी गई थी। अलाव व्यवस्था हर चौराहे पर दिख रही है, और इससे प्रशासन ने पूरा मुस्तैद रूप से तैयार है कि कभी ठंड अगर बढ़े तो लोगों को हम इंतजाम कर पाएँ। कुछ लोग जो है फुटपाथ पे सो रहे हैं तो हाथों में कंबल दिखाई दे रहा है, क्या आप लोग किस तरह से वितरित कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, शाहगंज छोटी सी बाजार है लेकिन सेवा भाव के लिए बहुत जाना जाता है, और जौनपुर का एक बहुत दिल माना गया है। यहाँ पे हर व्यक्ति सेवा भाव के लिए निकला हुआ है, संगठन बहुत यहाँ पे, सब लोग कंबल बांट रहे हैं, लोगों की सेवा जिस प्रकार करना चाहते हैं, अगर अन्न देना हो अन्न दे रहे हैं, सेवा के लिए कंबल बट रहा है, गद्दे दे रहे हैं, गर्म कपड़े भी दे रहे हैं, संस्थाएं रन कर रही हैं। इसी तरह से भाजपा के लोगों ने भी काम किया है। अभी पिछले दिनों में माननीय विधायक जी ने 500-700 कंबल लगभग उन्होंने बांटे थे। मैं भी संगठन से हूँ, हम लोग भी कंबल बांट रहे हैं। आज पिछले 3 दिन से रात में निकलते हैं, जो नीडी पर्सन है जिसकी आवश्यकता है उन्हें ही देते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं भाई साहब, मौसम विभाग ने कहा आने वाले 2 दिनों में जो है कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है, जिसमें जौनपुर का भी नाम है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कड़ाके की तो ठंड पड़ रही है पिछले लगभग 3-4 दिनों से, और बहुत ही कड़ाके की ठंड है। और इस कड़ाके की ठंड में हम लोग सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, जिससे हम लोग जुड़े हैं, जिशियाई शागन शिखर की तरफ से हम लोग निकल रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद है, जो फुटपाथ पे पड़े हों या स्टेशन पे हो या जो इस तरह से है, जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है, हम लोग निकल के उनको कंबल उन तक पहुंचाने का हर प्रयत्न कर रहे हैं। व्यवस्था आज जो है पालिका के द्वारा, हम लोग जो है, हमारे बड़े भाई रुपेश जी भी हैं जो कि हम लोग के द्वारा निरीक्षण कर रहे हैं। हर चौराहे पे जो है अलाव जल रहा है, ये हम लोग ने देखे अभी रात लगभग 11:30 बज रहा है, अलाव जल रहा है। अलाव पे 2-4-5 लोग रिक्शे वाले बैठे हैं और सब लोग बैठे, अच्छा लग रहा है कि अलाव है। रैन बसेरा में जाया गया, रैन बसेरा के बाहर भी जो है अलाव जल रहा है, उसमें पूरी पर्याप्त व्यवस्था है, सैनिटाइजर से लेके मास्क लेके हम लोग को देखा गया, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग
कोई भी व्यक्ति दिख रहा है कि भाई कंबल देने के बाद भी अगर सोने की व्यवस्था नहीं है तो सीधे रैन बसेरा में जाए। अगर रैन बसेरा में कोई भी कमी हो, हमने रुपेश भैया का विजिटिंग कार्ड, रुपेश भैया का नंबर और यूओ का नंबर मैंने दिया है ताकि जिसे हो संपर्क कर ले। और कैमरामैन से कहना चाहूंगा, हमारे जो है बाएं तरफ देखेंगे अलाव की व्यवस्था किया गया और सागर नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन जो है तमाम अलग अलग स्थानों पर जो है अलाव जला रहा है। हालांकि जो है जिले में 13 दर्जन से अधिक जो है अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। हालांकि कहा जाए जौनपुर में ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सारी इंतजाम की गई है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार सुन रहे हैं आप, देखते रहिए इंडिया वॉइस।